आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने जन संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। न्यायमूर्ति एनके गुप्ता प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे और 5 दिवसीय दीपावली पर्व की आज से शुरुआत। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस पर्व। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय देश के हर जिले में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में भी आयुर्वेद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विस्तार का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने चिकित्सालय में शल्य कक्ष, पुरुष पंचकर्म केंद्र और पुरुष वार्ड का लोकार्पण भी किया। वहीं आगरमालवा, रायसेन, मंडला और छिंदवाड़ा जिलों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण और पुनर्स्थापना कार्यक्रमों को आगामी 3 वर्ष तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी में पदों को जारी रखने को मंजूरी दी है। दलहन के उत्पाद खरीदी में तत्काल भुगतान को भी कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज राज्य के अतिथि शिक्षकों को दीपावली की सौगात मिली। उन्हें उम्र में 9 साल की छूट दी गई है, जबकि 3 साल से नौकरी कर रहे अतिथि शिक्षकों की अलग से मेरिट बनाई जाएगी और उनकी नियुक्ति में 25% आरक्षण की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोकनगर जिले में चंदेरी और ग्राम बड़ेरा के पास राजघाट बरई में चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना स्थल अशोकनगर जिले के चंदेरी के ग्राम बड़ेरा के पास राजघाट बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित है। इस योजना के क्रियान्वयन से इस अंचल के 81 ग्रामों के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि किसान की आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने आमजन को भावांतर भुगतान योजना की भी जानकारी दी। आज शिवराज सिंह चौहान मुंगावली में कहने आया है, सुनो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो शिवराज सिंह चौहान करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगर 2000 रुपया क्विंटल का भी अंतर होगा तो भरूंगा मैं किसानों के खाते में पैसा, मैं डालूंगा, चिंता मत करना। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी बताया कि इस साल बारिश कम होने के कारण सरकार ने पूरे अशोकनगर जिले को सूखा प्रभावित जिला घोषित किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी ये दिवाली मुंगावली के विकास की दिवाली होगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 389.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। न्यायमूर्ति एनके गुप्ता प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल ओपी कोहली कल 18 अक्टूबर को न्यायाधीश एनके गुप्ता को राजभवन में लोकायुक्त के पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि श्री गुप्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दिसंबर 2015 तक मुख्य पीठ जबलपुर और जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक ग्वालियर खंडपीठ में अपने 7 वर्ष 2 माह के कार्यकाल में करीब 48,550 मामले अंतिम रूप से निपटाए हैं। इन मामलों में संवैधानिक, सिविल और दंडकीय मामले शामिल हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम 18 महीनों में 200 से ज्यादा दांडिक अपील का निराकरण किया और भ्रष्टाचार निवारण के कई मामले निपटाए।
भारत ने बच्चों और माताओं में व्याप्त कुपोषण से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। नीति आयोग ने बताया कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि आयोग ने राष्ट्रीय पोषण नीति जारी की है, जिसमें विभागों के बीच समन्वय और लक्ष्यों की निगरानी पर जोर दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि अगले 3 वर्षों में कुपोषण से निपटने के लिए पूरक पोषाहार के वास्ते 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारियां की जा रही हैं। जिला कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश शुक्ला ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है। क्षेत्र के 257 मतदान केंद्रों पर करीब 2,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रमुख जिंस बाजार MCX में आज नई दिल्ली में सोने की गोल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग की विधिवत शुरुआत की। श्री जेटली ने कहा कि सोने के कारोबार को औपचारिक रूप देने की दिशा में ये पहला कदम है। ऑप्शन के माध्यम से किसी विशेष मूल्य पर और किसी निर्धारित तिथि से पहले कोई संपत्ति या दस्तावेज खरीदने वाले को अधिकार तो मिल जाते हैं, लेकिन उससे जुड़े दायित्व उस पर नहीं आते। 14 वर्ष पहले शुरू हुई ऑप्शन ट्रेडिंग को सेबी ने सबसे पहले सोने के कारोबार में लागू करने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा और सावधानियां बरतकर सुरक्षित और सुखद दीपावली मनाएं। बिजली कंपनी ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। दीपावली पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। आज धनतेरस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व सुख, शांति, समृद्धि और वैभव लाएगा। वहीं नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि इस दीपावली न सिर्फ अपने घरों की साफ सफाई करें, बल्कि अपने मोहल्ले, नगर, गांव और बस्ती को स्वच्छ रखकर उजियारा फैलाने के लिए सक्रिय रहें। धनतेरस पर आज बाजार गुलजार हैं। आज के दिन बर्तन, सोने, चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाजार सजे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, बर्तन और आभूषणों की दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। सागर में धनतेरस पर भगवान कुबेर की पालकी यात्रा निकाली गई। खंडवा के ओमकारेश्वर में श्री कुबेर भंडारी मंदिर में महायज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। गुना में 5 दिवसीय दीपावली पर्व के दौरान हाईवे से लेकर शहर तक सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 लोगों की टीम तैनात की गई है। शहडोल, मंडला, डिंडौरी, सीहोर समेत पूरे प्रदेश से धनतेरस का त्यौहार मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश से अब मॉनसून की विदाई हो गई है। अब तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। अक्टूबर माह में अब तक दिन का तापमान 35 से 36 डिग्री तक गया है, जो एक रिकॉर्ड है। बीती रात भी तापमान सामान्य से अधिक 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दीपावली के बाद ओस गिरने की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत गिरवर के सरपंच विक्रम सिंह और सुनेरा सरपंच मंजूबाई को लोकहित में पद से हटाते हुए आगामी 6 वर्षों के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया है। शिवपुरी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस परिसर में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस शिविर का कल आखिरी दिन होगा। टीकमगढ़ जिले में भावांतर योजना में 36,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल से जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर पर मिर्ची झोंककर 3.5 लाख से अधिक के रुपए लूट लिए। शिवपुरी जिले में पुलिस ने एक मकान की छत पर लगाए गए अवैध गांजे को जब्त कर लिया है। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड के झारीखेड़ा में मिट्टी की खदान धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। दतिया के सेवड़ा में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया।
राज्य मंत्रिपरिषद ने जन संसाधन विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। न्यायमूर्ति एनके गुप्ता प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे और 5 दिवसीय दीपावली पर्व की आज से शुरुआत। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस पर्व। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।